अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त मैं श्रद्धा 8 अगस्त पब्लिक डिजिटल लाइब्रेरी में मौजूद हूँ और आज यहाँ पर बहुत ही पढ़े लिखे मेडिकल की फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले एक प्रोफेसर ने यहाँ का विजिट किया है। हमारे साथ एक खसूसी मेहमान मौजूद हैं, आइए उनसे उनकी राय जानते हैं। सर, आपका नाम एंड डेजिग्नेशन? डॉक्टर गुलाम सर चीमा, प्रोफेसर हूँ लाहौर। सर, आपने लाइब्रेरी का विजिट किया है, क्या कहना चाहेंगे आप इस लाइब्रेरी के हवाले से? इस तरह है कि जिस वजह से ये वाक़या हुआ वो बेसिकली जाहिलियत की वजह से हुआ, क्योंकि जो जाहल है, जिसे पता नहीं इस्लाम क्या कहता है, उसको जब गलत फीड किया जाता है, जो दुश्मन अनासर है, मुल्क दुश्मन अनासर है, या जो दूसरे मुल्कों से जो है जो उनको फीड करते हैं, वो ये उनको इम्प्रेशन देते हैं कि ये आप इस्लाम की खातिर कर रहे हैं, जबकि इस्लाम की खातिर वो नहीं होता। और इस लाइब्रेरी से जो मैंने सारा देखा है कि इसमें एक ऐसी इन्वायरमेंट दी जा रही है जिससे इल्म और जिसमें ये सारी इल्म में इजाफा सबका हो रहा है, और जब ये होगा तो इससे जाहिलियत ख़त्म होगी और इस तरह के वाकया जो है वो ख़त्म होगा। और दूसरा, ये इंस्टीट्यूशन एक यादगार है कि लोगों को ये एहसास रहे कि किस तरीके से ये हुआ है और किस तरीके से आगे हमने इस तरह की जो है वो वाकया से बचना। सर, शहीद बाल सागर फाउंडेशन अंडर द स्लोगन लाइब्रेरियाँ बनाओ नस्लें बचाओ, इसके तहत एक प्रोजेक्ट लेके आया है कि बलूचिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में एक यूनिट बनाया जाए। इस इनिशिएटिव को आप कैसे देखते हैं और तालीम का क्या किरदार? देखिए, ये तो पाकिस्तान में ओवरऑल ही अगर हम देखें लिटरेसी रेट कम है और बलूचिस्तान में स्पेशली वो कम है, और अगर इस तरह का इनिशिएटिव बलूचिस्तान के रिमोट एरिया में दूर दराज इलाकों में किया जाए तो उसका बेनिफिट ये होगा कि ये एक एनवायरनमेंट ऐसी मिलेगी जिसमें उन बच्चों को जिनमें बहुत टैलेंट है लेकिन फैसिलिटीज ना होने की वजह से, अपॉर्चुनिटी या एनवायरनमेंट ना होने की वजह से वो आगे नहीं आ सकते, वो आगे आएंगे। और वो जो रिमोट एरियाज हैं वहाँ पे जो अगर एक फैमिली का एक बच्चा भी अगर कोई एजुकेशन हासिल करता है तो उसका बेनिफिट ये होता है कि वो पूरी ना सिर्फ अपनी फैमिली को, वो पूरी अपनी बरादरी और अपने उस एनवायरनमेंट में तब्दीली लेके आता है, तो वो उससे पूरे बलोचिस्तान में और इंशाल्लाह ताला उससे तब्दीली लेते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये एक इंडिविजुअल बेस्ड एफर्ट है जो कि बहुत अच्छी है एफर्ट है। एक इसमें टाइम के इनपुट, पैसे के इनपुट, पर्सनल लेवल पे, और इसको सस्टेन करना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि एक इंडिविजुअल जिसको लेके चल रहा होता है तो एक टाइम के बाद उसके बाद उसको चलाना बड़ा मुश्किल होता है, तो गवर्नमेंट को इसकी सरपरस्ती करनी चाहिए। और ये जगह फुल है, इसमें जगह की कमी है और रेंटल प्लेस है, ये गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके लिए एक अच्छी खुली जगह एलोकेट करें जिसमें ये कैंपस भी हो, जिसमें ग्राउंड्स भी हो, जिसमें बाकी चीज़ें भी हो, और गवर्नमेंट उसके लिए फंडिंग करे और उसको सुपरवाइज करे ताकि वो सस्टेनेबल हो, एक इंडिविजुअल बेस ना हो, ताकि उसके इंडिविजुअल के बाद भी वो चाहते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।